हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेट सेट कोना चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी लोगों को स्वतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ग्रीक स्कॉलर की कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफी। ओके, और ये पार्ट नंबर 3 है। पिछले दो पार्ट में हम लोग टोटल 5 स्कॉलर डिस्कस कर चुके हैं, जो होमर, थेल्स, एनैक्सिमेंडर, हेकाटियस एंड हेरोडोटस के ऊपर था। ओके, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। ये जो दोनों पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक अवेलेबल होगा, वहां से आप चेक वीडियो को देख सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टोटल 6 स्कॉलर, प्लेटो, एरिस्टोटल, एराथोस्थेनिस, पॉलीबियस, हिपरकस एंड पोजिडोनियस। ओके, टोटल 6 स्कॉलर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सो आज का फर्स्ट जो स्कॉलर है वो है प्लेटो। प्लेटो वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर फ्रॉम द ग्रीक स्कॉलर। ये था प्लेटो था, आपको पता है। और इनको मास्टर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग भी बोला जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग की प्रीमाइसेस जो है जनरल टू पार्टिकुलर फॉलो करता है। ओके, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और प्लेटो फर्स्ट स्कॉलर था जिन्होंने राउंड अर्थ की जो है आइडिया इन्होंने एडॉप्ट किया था। ओके, राउंड अर्थ, ये याद रखिएगा। और इन्होंने बोला था कि यूनिवर्स के सेंटर पे जो है अर्थ लोकेटेड है और अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो है रिवॉल्व करता रहता है सर्कुलर मोशन पे अराउंड दी अर्थ। ओके, अर्थ की चार पास जो है सेलेस्टियल बॉडीज जो है मूव करता रहता है। ओके, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लिखा है यहाँ पर। प्लेटो एक ओपिनियन दिया था बैरन लैंड के ऊपर। बैरन लैंड वो लैंड है जहाँ पर आपका कोई फर्टिलिटी नहीं होगा, कोई ट्री ग्रो नहीं करेगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, बस खाली मैदान पड़ा है। ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने बोला था कि वो लैंड जो है लाइक स्केलेटन ऑफ ए सिक मैन, जैसे मुर्दा आदमी का हड्डियाँ पड़ा रहता है। ठीक है, वैसे ही इन्होंने हड्डियों के साथ कंपेयर किया था। इन्होंने और भी बोला था कि इंसान को बोला था कि मैन जो है एक्टिव एजेंट है। ठीक है, जिसका एक एबिलिटी है, मैन का एक एबिलिटी है जो अब आर्थ का फेस जो है चेंज करते हैं। हु हैज द एबिलिटी टू चेंज द फेस ऑफ द आर्थ। ओके, अब इनका जो है की पॉइंट्स देख लेते हैं। इनको मास्टर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग बोला जाता है और ये जनरल टू पर्टिकुलर प्रीमाइसेस जो है रूल्स फॉलो करता है। और इन्होंने आइडिया ऑफ राउंड अर्थ की दिया था, राउंड अर्थ की आइडिया दिया था। और बैरल लाइन के ऊपर इन्होंने बोला था कि स्केलेटन है इन मुर्दा आदमी का, और इन्होंने मैन को एक्टिव एजेंट बोला था। ओके, ये आपका हो गया प्लेटो। अब पढ़ेंगे हम लोग एरिस्टोटल। एरिस्टोटल भी एक ग्रीक स्कॉलर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीक स्कॉलर था। और एरिस्टोटल जो है प्लेटो का ही स्टूडेंट था। ओके, और इन्होंने डेवलप किया था इंडक्टिव रीजनिंग, इसलिए इसको मास्टर ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग बोला जाता है। और इंडक्टिव रीजनिंग जो है फॉलो करता है प्रीमाइसेस जो है पर्टिकुलर टू जनरल। इन्होंने ये जनरल प्रीमाइसेस को फॉलो करता है और पर्टिकुलर टू जनरल। और इनका देखिए, इसलिए इसको इंडक्टिव और साइंटिफिक अप्रोच बोला जाता है। इन्होंने ज्योग्राफी को एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेसिस करे इन्होंने ज्योग्राफी को स्टडी किया था। और इन्होंने स्फेरिकल अर्थ की आइडिया को एक्सेप्ट किया था और इन्होंने ग्रेविटेशन, ठीक है, थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन का भी आइडिया दिया था। इन्होंने बोला था जो हम लोग फील्ड पे जाके ऑब्जर्वेशन करते हैं थ्रू द सेंसेस, ठीक है, उसके सेंस के थ्रू जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन जो है प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, स्पेशली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, इन्होंने एरिस्टोटल बोला था। इसलिए क्या किया इन्होंने,
लॉ एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल डेवलप किए फॉर द ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ओके। और इनका ह्यूमन ज्योग्राफी में भी कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने ऑब्जर्वेशन करके देखा था कि लैटिट्यूडिनल पोजीशन वाइज इंसान का जो हैबिटेशन हैबिटेबिलिटी, या हिंदी में आप बोल सके निवास या बसोबस, ठीक है, बास करने का जो तरीका है वो एक जैसा नहीं है, ठीक है। इन्होंने देखा था ये जो ये आपका इक्वेटर हो गया, ये पोलर और ये आपका टेम्परेट रीजन, ठीक है, ये पोल हो गया। इन्होंने देखा था यहाँ पर इक्वेटर में जो है इंसान जो है लिव नहीं करते, मतलब यहाँ पर बास नहीं करते, निवास नहीं है इनका, ठीक है। और इक्वेटर को इन्होंने टॉरिड रीजन बोला था, टॉरिड जोन, ओके। और इन्होंने ये भी देखा था कि ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है पोलर रीजन में, जहाँ पर पूरा साल बर्फीला एनवायरनमेंट रहता है, आइसी कंडीशन में रहता है, वहाँ पर भी जो है इंसान निवास नहीं करते हैं। इन्होंने देखा था जो इसके बीच में, देखिए यहाँ पर ये जो रीजन है आपका, ये इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया, ये जो खाली जगह है ये टेम्परेट रीजन। इन्होंने देखा था टेम्परेट रीजन में ही जो है इंसान बास करता है, ओके, यहाँ पर आप पढ़ सके इजीली। और इनका एक और देखिए, इनका बुक देखिए, एक मेट्रोलॉजी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एग्जाम में पूछा जाता है, यानी मेट्रोलॉजी का बुक किसका है, आप आंसर दे सकते हैं, एरिस्टोटल का, ठीक है। इस बुक में इन्होंने टाइडल मूवमेंट्स के ऊपर इन्होंने डिस्क्राइब किया था, टाइडल मूवमेंट्स, और ये भी डिस्क्राइब किया था कि जो है इन विंड जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द इन द ओरिजिन ऑफ टाइडल वेव्स, ओके। तो ये हो गया आपका एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल का आप देखते हैं की पॉइंट्स देखते हैं, इनको मास्टर ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, बोला जाता है, जो प्रीमाइसेस जो है फॉलो करता है पर्टिकुलर टू दी जनरल। और इन्होंने स्फेरिकल आर्क की आइडिया दिया था, और फॉर्मूला सॉरी लॉ एंड प्रिंसिपल डेवलप किया था फॉर दिस हाई फॉर द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। और इनका बुक मेट्रोलॉजी का जो डिस्क्राइब करता है ओरिजिन ऑफ टाइड्स। तो ये हो गया आपका एरिस्टोटल एंड प्लेटो। अब हम लोग देखेंगे एरातोस्थेनिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीक स्कॉलर। एरातोस्थेनिस जो है मैथमेटिशियन भी था, जियोग्राफर था, एस्ट्रोनॉमर था, पोएट था, बहुत क्वालिटीज था इनके अंदर, ठीक है। इन्होंने डेवलप किया था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, सिस्टम्स। और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम एक्यूरेट, ठीक है, इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर, आपका इक्वेटर का लेंथ इन्होंने ही एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्होंने ही मेजर किया था थ्रू यूजिंग नोमोन। नोमोन जो बेबीलोनियन इंस्ट्रूमेंट नोमोन है, नोमोन को यूज करके इन्होंने लेंथ ऑफ द इक्वेटर मेजर किया था, इसलिए इसको फर्स्ट साइंटिफिक जियोग्राफर बोला जाता है, जिन्होंने लेंथ ऑफ द इक्वेटर एग्जैक्टली मेजर किया, जो 24,860 माइल था, ओके, थ्रू द यूज ऑफ नोमोन, नोमोन की हेल्प से इन्होंने मेजर किया था। और इन्होंने फर्स्ट टाइम तो नहीं, इन्होंने मेरिडियन भी ड्रॉ किया था थ्रू एलेक्जेंड्रिया सीने रोधिस एंड द माउथ ऑफ ऑरेस्थेनिस, जो एट प्रेजेंट नाम है डेनिस्टर रिवर की नाम है, ठीक है। देन इन्होंने एज ए लाइब्रेरियन अपॉइंट हुआ था लाइब्रेरी ऑफ एलेक्जेंड्रिया, द पोस्ट ऑफ हाईएस्ट एकेडमिक ऑनर ऑफ दैट पीरियड। ही रिमेंड लाइब्रेरियन, एज ए लाइब्रेरियन इन्होंने 40 साल तक वहाँ पर रहा, टिल डेथ, ठीक है, आखिरी सांस तक वहाँ पर ही इन्होंने एज ए लाइब्रेरियन काम किया। देन इन्होंने एक ओपिनियन दिया था कि आज का जो एक्सटेंशन है, स्प्रेड है, ठीक है, वो ईस्ट टू वेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, ये एक्चुअल में भी है, और नॉर्थ टू साउथ जो है ये कम है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। और इन्होंने हैबिटेबल वर्ल्ड को एक्सटेंड किया था थूले, नॉर्दर्न साइड में थूले को इन्होंने
दिखाया, और लास्ट में सॉरी साउदर्न पार्ट में इन्होंने जैसे दिखाया मैप पे टेपराबोन, जो एट प्रेजेंट इस कंट्री का नाम है श्रीलंका, ठीक है, थुले और टेपराबोन, ठीक है, जो अटलांटिक ओशियन और बंगाल से मतलब एक्सटेंड था। ऊपर में इधर आपका अटलांटिक ओशियन हो गया और नीचे बंगाल। वहाँ पर यहाँ आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये रहा आपका थुले, ओके, ये नॉर्दर्न साइड में है और ये अटलांटिक ओशियन में है, और ये आपका टेपराबोन, ये रहा आपका टेपराबोन जो बे ऑफ बंगाल से बे ऑफ बंगाल तक ये स्प्रेड था। ओके, एरातोस्थोनीस जो है इन्होंने वेल नोन या वेल अवेयर था अबाउट द रेड सी एक्सटेंशन। रेड सी का जो एक्सटेंशन था उसके बारे में इन्होंने एरातोस्थोनीस जो वेल नोन या वेल अवेयर था, इसको पता था कि कहाँ से कहाँ तक रेड सी एक्सटेंड है। इन्होंने डिस्क्राइब किया था सॉरी 9,000 स्टेडिया, जो 900 माइल्स में माइल तक एक्सटेंड था इसका, जो हेड ऑफ द गल्फ ऑफ स्वेज से लेके बब अल मंदब तक एक्सटेंड था। यहाँ पर बब अल मंदब है, और गल्फ ऑफ स्वेज एंड बब अल मंदब यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड था रेड सी का। ओके, इसके बारे में भी डिस्क्राइब किया था एरातोस्थेनीस। और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसमें इन्होंने इक्विमिन मतलब इनहैबिटेटेड मतलब जहाँ पर लोग जो है निवास या बास करता है उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया था। और इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि कंटिनेंट जो है तीन कंटिनेंट्स के बारे में इन्होंने एक्सेप्ट किया था, जो यूरोप, एशिया एंड लीबिया, इसको एट प्रेजेंट अफ्रीका बोला जाता है। ओके, थ्री कंटिनेंट्स के बारे में इन्होंने बोला था, और फाइव क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में भी इन्होंने डिस्क्राइब किया था। ये आपका वन जो है टॉरिड जोन, ये जो रहा आपका वन टॉरिड जोन। ओके, देन टू टेम्परेट जोन्स यहाँ पर ऊपर और नीचे, ये आपका टू टेम्परेट जोन्स हो गया, और टू फ्रीजेड जोन, यहाँ पर फ्रीजेड जोन और यहाँ पर फ्री जोन, तो कुल मिला के आपका फाइव क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। अब देखते हैं की पॉइंट्स। फर्स्ट साइंटिफिक ज्योग्राफर था एरातोस्थेनिस, फादर ऑफ जियोडेसी बोला जाता है इनको, फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी बोला जाता है। और एरातोस्थेनिस को एक बात याद रखिएगा, इनको फादर ऑफ जियोग्राफी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल फादर जो है वो है हेकाटेरियस। ओके, इन्होंने स्फेरिकल अर्थ की जो आइडिया है इन्होंने एक्सेप्ट किया था और डेवलप किया था एक सिस्टम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था, और इक्वेटर का जो मेजर लेंथ जो है मेजर किया था इन्होंने एग्जैक्ट, ठीक है। एराथोस्थेनिस मेजर किया था लेंथ ऑफ द इक्वेटर अबाउट 25,000 ओके माइल्स, बट एक्चुअली कितना था 24,860 माइल्स। ओके, कुछ ज़्यादा जो है पॉइंट्स इन्होंने वैल्यू ज़्यादा कर दिया था यहाँ पर, लेकिन इन्होंने ही फर्स्ट टाइम एग्जैक्ट जो है लेंथ ऑफ द इक्वेटर मेजर किया था, इसलिए इसको फर्स्ट साइंटिफिक ज्योग्राफर बोला जाता है। अब देखेंगे हम लोग पॉलीबियस, इनका ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर देख सकते हैं पॉलीबियस जो है फिजिकल ज्योग्राफर है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में इनका जो है फोकस था, और इन्होंने स्टडी किया था प्रोसेस ऑफ इरोजन के बारे में, और सजेस्टेड किया था हाउ स्ट्रीम्स ग्रेड देयर वैलीज, कैसे स्ट्रीम्स जो है वैली को इरोड करता है और फर्दर डेवलप होता है, इसके बारे में मतलब इसके बारे में इन्होंने डेवलप स्टडी किया था। बेसिकली ये एक इनका जो कंट्रीब्यूशन था फिजिकल ज्योग्राफी में था। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग हिपरकस। ओके, हिपरकस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीक स्कॉलर था, चलिए पढ़ते हैं। हम हिपरकस आपको पता है एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर था या मैथमेटिशियन था, ज्योग्राफर था, और इनको कंसीडर किया जाता है फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का इनको फाउंडर बोला जाता है। ओके, और इन्होंने डेवलप किया था फेमस हुआ था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इक्विनॉक्सेस, इक्विनॉक्सेस के बारे में इन्होंने फर्स्ट डिस्कवरी किया था, इसलिए इन्होंने ज़्यादा फेमस हुआ था। ओके,
और इन्होंने इंपॉर्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्ट्रेस किया था, स्ट्रेस किया था इंपॉर्टेंस इसके ऊपर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इस दोनों के ऊपर इन्होंने स्ट्रेस दिया था, और इसलिए सॉरी और इन्होंने डेवलप किया था इंस्ट्रूमेंट एस्ट्रोलॉब। ये याद रखिएगा एस्ट्रोलॉब किसका इंस्ट्रूमेंट है, आप हिपरकस लिख सकते हैं आंसर, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है हिपरकस किसका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और इन्होंने डेवलप किया था ये किसके लिए, फॉर द डिटरमाइनिंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेसेस, ओके। इन्होंने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया था सर्किल को 360 डिग्री में, ओके। 360 डिग्री में कौन कौन वर्ल्ड को सर्किल को डिवाइड किया था, हिपरकस, ओके। इन्होंने और भी कन्वर्जन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था, क्रेडिट देखिए, ही इज आल्सो क्रेडिट फॉर कन्वर्जन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्फीयर इनटू टू डायमेंशनल स्फीयर। इन्होंने थ्री डायमेंशनल स्फीयर को टू डायमेंशनल स्फीयर में इन्होंने ही कन्वर्ट किया था, और इन्होंने ऑर्थोग्राफिक एंड हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन इन्होंने डेवलप किया था। इस प्रोजेक्शन में किया हम लोग क्या शो कर सकते हैं, हेमिस्फीयर को, ठीक है, पूरा वर्ल्ड को हम लोग इसमें इस प्रोजेक्शन में शो करा नहीं पाएंगे। अब देखते हैं की पॉइंट्स हिपरकस का। हिपरकस देखिए, इनको फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है, डिस्कवर किया था इक्विनॉक्सेस, और इनका इंस्ट्रूमेंट था एस्ट्रोलॉब। इन्होंने ही डेवलप किया, फर्स्ट टाइम डिवाइड किया था सर्कल को 360 डिग्री में, और कन्वर्जन अभी पढ़ा हमने कि थ्री डायमेंशनल स्फीयर को इन्होंने टू डायमेंशनल स्फीयर में कन्वर्ट किया, और डेवलप डिजाइन किया ऑर्थोग्राफिक एंड हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन को। अब देखते हैं पॉजिडोनियस, ये आपका ग्रीक स्कॉलर की लास्ट स्कॉलर है, इंपॉर्टेंट ग्रीक स्कॉलर था। एक पॉजिडोनियस हिस्टोरियन था, एस्ट्रोनॉमर था, ज्योग्राफर था, टीचर था, ठीक है। इन्होंने इनका एक बुक देखिए, द ओशियन, ये याद रखिएगा, द ओशियन बुक वॉज रिटन बाई हुम, पॉजिडोनियस, ओके, याद रखिए। इन्होंने टू इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है, जिसमें एक रॉन्ग हो गया था, मतलब गलत हुआ था, और एक सही हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा रॉन्ग हुआ और कौन सा गलत हुआ, सॉरी सही हुआ। फर्स्टली इन्होंने रिकैलकुलेट किया था, एराथोस्थनीस ने जो कैलकुलेट किया था लेंथ ऑफ द इक्वेटर, इन्होंने कैलकुलेट करना शुरू किया, रिकैलकुलेट, ओके। और इनको जो फिगर मिला वो बहुत ही छोटा, मतलब स्मॉल फिगर मिला था, मतलब कम फिगर मिला था। इन्होंने अबाउट 25,000 माइल लेंथ इन्होंने मेजर किया था एराथोस्थनीस ने, लेकिन इन्होंने स्मॉल फिगर में मेजर किया था, यहाँ पर दिया नहीं है कितना मेजर किया था, लेकिन बहुत कम मिला था इनको, ठीक है। और इन्होंने वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस, ठीक है, कौन सा कंट्री किधर लोकेटेड है, इसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड कर लिया था, ओके। इन्होंने बोला था कि अगर हम लोग यूरोपियन कोस्ट अटलांटिक से, ये आपका अटलांटिक ओशियन हो गया, ये आपका यूरोप है, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ओके। तो इन्होंने बोला था यूरोपियन कंट्री यहाँ से अगर हम लोग इधर वेस्टर्न साइड जाएंगे, तो इन्होंने बोला था ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, ये आपका इंडिया, इन्होंने बोला था ईस्ट, यहाँ पर इंडिया है, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में हम लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। बट फाइनली कहाँ पर पहुँचे, वो अमेरिका में पहुँच गए, वहाँ पर तो अमेरिका लोकेटेड है, ठीक है। ये जो है आपका इनका कंट्रीब्यूशन जो है ये रॉन्ग हो गया आपका इनका, ठीक है। और सेकेंड जो आपका ये कंट्रीब्यूशन था ये करेक्ट, इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। सेकेंड जो कंट्रीब्यूशन पॉजिडोनियस ने दिया था ये करेक्ट था, इन्होंने कंट्राडिक्ट किया था एरिस्टोटल की व्यू को। एरिस्टोटल क्या बोला था, एरिस्टोटल बोला था इक्वेटर में ये आपका इक्वेटर हो गया, ये पोलर रीजन हो गया, और ये आपका बाकी जो है टेम्परेट रीजन। इन्होंने बोला था इक्वेटर रीजन में लोग जो है बास नहीं करते, निवास नहीं होता इंसान का,
और पोलर रीजन में नहीं होता, बस टेम्परेट रीजन में होता है। इसी को कंट्राडिक करते हुए इन्होंने बोला था कि इंसान जो है इक्वेटर रीजन में बास करते हैं। इसका रीजन क्या दिया था, टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर इक्वेटर पर नहीं होता है। इन्होंने बोला ट्रॉपिक्स 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट मिलते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं होता है। ये आप इन्होंने रीजन दिया था, ये बिल्कुल रीजन सही था इनका, ठीक है। और अब देखते हैं आप इनका की पॉइंट्स बस एक ही लिखे हैं यहाँ पर इनका बुक, ठीक है, आप रीडिंग पढ़ के याद रखिए इसका जो कंट्रीब्यूशन था, और यहाँ पर आपका ये बुक के नाम याद रखिएगा, पॉजिटिवनेस का द ओशियन, ओके। तो इतना ही फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। अगर इस लेक्चर को पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।